हेलो गाइस, आज से हम लोग आई के बारे में छोटे छोटे पार्ट्स में इसका वीडियो बना करके डालेंगे। आप लोग कंटिन्यू देखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से, यूनिक तरीके से हम लोग आई के बारे में डिटेल नॉलेज जानेंगे। अगर आई की बात करें तो हमारा जो आई होता है बहुत सारे पार्ट्स से मिलके बना है। जैसे कि सबसे बड़ा अगर बात करें कि आई बॉल, आई लीड, इसी बॉल के अंदर जानेंगे लेंस क्या है, कॉर्निया क्या है, एस्कलरा क्या है, रेटिना क्या है, ये आंख से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं, ये एक एक पार्ट को हम लोग डिटेल में जानेंगे। अगर हम यहां पर बात करें इस दो इमेज में, अगर आप देखोगे तो ये जो अप डाउन हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं आई लिड। यानी ये जो आपका होगा, ये आपका आई लिड, जिसमें आपका ये अपर आई लिड और एक आपका क्या होगा, दैट इज क्या कहिएगा, आपका ये अपर आई लिड और ये जो आपका होगा ये लोअर आई लिड। इस आई लिड में ये जो आपका हेयर होता है ना, इसको आई लेजेज कहते हैं, और ये जो आपका लोअर है ये भी आई लेजेज है। आप लोग एक मिनट वीडियो को पॉज करके आप लोग कमेंट में मैसेज भेजिए कि दोनों आईलिड में कौन सा आईलिड मोबाइल होता है और कौन सा आईलिड ई मोबाइल होता है। खैर, तो गौर करिएगा, तो आई इज द मेड ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स में से बनेंगे, जैसे इंक्लूडिंग आयरिस, पिपिल, कॉर्निया, रेटिना, एक एक बातों को डिटेल में हम जानेंगे। अगर आप आई की बात करोगे ना, तो ये जो हमारा आई है ना, इसमें एक बहुत बड़ा ये मेन चीज होता है, ये आई बॉल होता है। इसी आई बॉल के बारे में हम लोग को डिटेल में जानना है, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन उठता है कि आई बॉल कहां रखा हुआ रहता है। अगर हम बात करें ऐसे, अगर सामने से इस तरह से फ्रंट व्यू से अगर ऐसे करके कट करके देखा जाए साइड से, तो ये ऐसे करके एक सॉकेट होगा, और इसी सॉकेट में क्या होगा, आपका आई बॉल रखा हुआ होगा। जैसे एकदम सेम ऐसे सोचिए, ऐसे करके कटिंग किया गया, ऐसे साफ कटिंग करके साइड से देखा गया, तो साइड से देखेंगे तो एक सॉकेट होगा। ये जो सॉकेट होगा ना, इसी सॉकेट को कहते हैं आई सॉकेट या आई ऑर्बिट। ये देखिएगा, ये आपका आई ऑर्बिट होगा या आई सॉकेट होगा, और इसी के अंदर क्या कहिएगा, ये हमारा आई बॉल अगर देखा जाए, ये हमारा आई बॉल आपका ये रखा हुआ होगा। एक बात ध्यान दोगे, आई बॉल जितना भी बड़ा होता है, अगर इसको हम सिक्स पार्ट में बांट, फाइव पार्ट में बांट दें, तो फाइव पार्ट्स का ये वन फिफ्थ पार्ट दिखता है बाहर से। यानी ये जो आप देख रहे हो ना, या इसको जो देख रहे हो ना, इतना दिख रहा है, वन फिफ्थ ही दिख रहा है। इसका अगर फोर फिफ्थ पार्ट देखोगे तो अंदर छिपा होता है। और यह आई बॉल जो आपका होगा, आई ऑर्बिट, जो अंदर में आई बॉल रखा होगा, तो अंदर में गद्दा नुमा स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं फैटी कुशन, और उसी फैटी कुशन गद्दे पर हमारा आई बॉल रखा है, जिससे हमको प्रोटेक्शन मिलता है। यही देखिएगा, जब तबीयत खराब होती है तो लोग कहते हैं ना कि अरे आपका आंख धंस गया। एक्चुअली हुआ क्या कि अंदर का जो फैटी कुशन है, जैसे ऐसे ऑर्बिट है, ऐसी ऑर्बिट पर क्या कहिएगा, आपका आई बॉल रखा हुआ, बॉल है, तो बॉल है, जब तक फैटी कुशन का गद्दा मोटा है तो बाहर है, और वही गद्दा अगर यूज होगा तो आंख थोड़ा क्या होता है, धंस जाता है। ये धंसने का सबसे बेसिक कारण है ये फैटी कुशन का, आपका एक तरह से कहिए गद्दा कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल ये क्या है, एक एक बातों को जानेंगे। आई ऑर्बिट की बात किए, जैसे यहां पर देखिएगा, ये आई है, अपर लोअर लीड है, और इसी में व्हाइट वाले पार्ट को एस्कलरा कहते हैं। खैर, ये अंदर से देखा गया है, और पीछे क्या कहिएगा, बहुत सारे नर्व हैं। एक एक पार्ट को हम लोग डिटेल में जानेंगे, अभी बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं।
तो आई ऑफ मैमल्स की बात करें तो आई रिमेन्स लोज्ड, लोज्ड मतलब धंसा हुआ। आई हमारा कहां धंसा होगा, तो इन सॉकेट ऑफ आई ऑर्बिट और क्या कहे रेस्ट ऑन फैटी कुशन, यानी इसी गद्दे पर क्या कहिएगा हमारा आई बॉल रखा हुआ होता है। अगर हम बात करें ये आई, जैसे देखिएगा ये आपका अपर आईलिड, लोअर आईलिड, आई लेजेज हो गया, ये आपका आई बॉल हो गया, इसकी बात करें ये आपका बउआ यही आई सॉकेट होता है, इसी आई सॉकेट में क्या कहिएगा आई बॉल रखा हुआ रहता है। अब ये जो बगल में इमेज है ना, ये आप गौर करिएगा, सबसे पहले ये समझना होगा कैसे कैसे बना है। अगर इस डायग्राम की बात करो, अगर ऐसे किया गया और ऐसे करके ऐसे कटिंग करके साइड से देखा गया है, तो ऐसे कंडीशन में देखिए क्या होगा, ये आपका लग रहा है ना, ये अपर आईलिड और ये लोअर आईलिड और ये आपका आई बॉल है, और ये पीछे क्या होगा, यही पर फैटी कुशन का गद्दा होगा। अब पढ़ेंगे ऑप्टिक नर्व, ये तो बहुत सारा चीज होता है जो एक एक करके हम इसके बारे में डिटेल में आपका जानेंगे। ये देखिए साइड से दिखाया गया है, ये आपका यहाँ पर कॉर्निया अंदर में चल रहा और ये आपका ऑप्टिक नर्व अंदर जाकर के देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें हमारे पास दो आईलिड होता है, एक अपर आईलिड एक लोअर आईलिड, अपर आईलिड ही मोबाइल होता है, लोअर आईलिड क्या कहेगा इमोबाइल होता है। अभी हमने क्वेश्चन पीछे पूछा था आपसे, तो ये कह रहा है आईलिड्स, इसी आईलिड्स को हम लोग कहते हैं पालपेब्री, याद रखिएगा आईलिड का ही, इसी आईलिड में इसी को देखिएगा सब क्या कहते हैं, लड़की सब जो होती है ऊपर से चमकाती है सब, वो जो क्रीम पाउडर मारती है ना, वो आपका इसी क्या कहिएगा आईलिड के ऊपर में ही क्या कहिएगा पेंट पॉलिश क्या कहिएगा, जो भी करना होता है ना इसी पर पेंट पॉलिश आपका फीमेल करती है, ये आईलिड का अपरी हिस्सा पर। तो गौर करिएगा ये आपका आई जो लीड होता है ना, ये आईलिड कह रहा है कि या पाल्पिब्री, ये अपर आईलिड और लोअर आईलिड, अपर आईलिड मोबाइल और लोअर आईलिड क्या कहिएगा ई मोबाइल या वेरी स्लाइटली मोबाइल, ऐसे आंख मारिए कि किसी किसी को तो लोअर वाला हल्का सा मुंह कर, किसी आंख नहीं मारिए पहले पढ़िए। तो गौर करिए नोज है ये अपर आईलिड लोअर आईलिड्स और अंदर में आई बॉल है, ये हेयर जो आई लेजेस हैं, और इसी में आप देखिएगा एक शब्द होता है प्लीका, ये जो रेडिस आपका साइड में नाक के जस्ट बाजू में देखिएगा, इसमें अगर देखिएगा यहां पर आपका पाया जाएगा, दैट इज ये आपका रीजन को क्या होता है रेडिस, यहां पर देखिएगा इसी को हम कहेंगे प्लीका, इसमें अगर देखिएगा ये रीजन जो होता है ना, ये रीजन, इसी रीजन को हम लोग क्या कहते हैं प्लीका कहते हैं। अगर बात करें तो अब इसके बाद होता है कि आई को प्रोटेक्शन मतलब आई लिड्स के बारे में जानेंगे, आई लिड्स एक्चुअली है क्या। सबसे पहले डायग्राम देखिए कैसे बना हुआ है, अगर हम बात करें आई लिड्स, ये ऐसे करके पलक हमारा ऐसे ऐसे करके, ये आई लिड है, एक आई लिड ऐसे, एक आपका लोअर आई लिड है, अगर इस अपर आई लिड की बात करें ऐसे करके कट करिए ऐसे, अगर ऐसे कट करोगे तो साइड से देखेंगे तो आई लिड्स में क्या क्या पाया जाता है। सबसे बड़ी बात देखिएगा, हमने बोला ना ऐसे करके कटिंग है तो साइड से देखेंगे तो एक हेयर दिखाई देगा, जैसे ये देखिएगा आई लेसेस है, ये ट्रू स्किन होगा, और उसी अपर वाले में एक पाया जाएगा और ऑर्बिकुलरिस क्या कहिएगा ऑकुलर मसल, ये वॉलेंट्री मसल होता है जो आई लिड को खींच के रखता है, जिसके कारण हम खोल करके रखते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें क्या होता है, एक आपका हॉर्न क्या कहिएगा हॉर्नल मसल्स होते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं, और पाल्पेब्री फेसिया पीछे होता है। सबसे बड़ी बात यहां ध्यान दोगे, ये जो आईलिड में ये जो आपका पाया जाता है ना, ये रीजन इस तरह से अगर देखिएगा इसी कहते हैं टार्सल प्लेट। अगर कभी अपर आईलिड को ऐसे करके करिएगा इस तरह से, यहां पर थोड़ा आवाज टाइप से लगेगा, ये ऐसे कट कट करेगा वही टार्सल प्लेट्स होता है, और ये फाइब्रो कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा, ये आई बॉल का एस्केलेटर होता है, और कंजंक्टिवा चर्चा करेंगे क्या चीज होता है, और ये जो पीछे में आपका दैट इज क्या कहिएगा लियोवर्टर पापली सुपेरियोरिस मसल जो है, यही आई लिड को खोल के रखने में क्या कहिएगा मदद करता है। तो ओनली एसोसिएटेड अपर आई लिड, यानी ये जो आपका लेवेटो पाल्पेब्री क्या कहेगा सुपेरियोरिस मसल होता है, ये अपर आईलिड में ही होता है, जो क्या करता है
तो आपका इलिवेशन आप क्या कहिएगा, आईलिड। हम ऐसे आईलिड को जो खोल के रखते हैं, इसको खोल के रखने में आपका मदद करता है। तो आज हम बात किए आईलिड्स के बारे में और इंटरनल स्ट्रक्चर, इसको आप अच्छा से देख लोगे। और कल हम बात करेंगे आंख में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।